दोस्तों, इन दिनों जिस तरह से आम आदमी के साथ साथ एक्टिंग की दुनिया में भी शादी का ट्रेंड बना हुआ है, तो लगता है कि शादी का ही फेस्टिवल चल रहा है। जहां पहले नेहा कक्कर ने अपने बॉयफ्रेंड हरप्रीत सिंह के साथ घर बसाकर सभी को चौंका दिया, तो वहीं इन दिनों मोस्ट गॉर्जियस एक्ट्रेस गौहर खान भी जैद दरबार के संग अपनी शादी को लेकर चर्चाओं में है। जिनकी शादी की रस्में तो शुरू हो चुकी है, जिसके कुछ समय पहले ही हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वही दोनों की वेडिंग डेट 25 दिसम्बर आने में अभी बहुत समय बचा है, इसलिए तो गौहर खान ने पहले ही अपने सभी करीबी यारों दोस्तों को अपनी शादी के लिए इनविटेशन भेज दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपनी शादी की सारी तैयारियां कर चुकी गौहर खान ने भले ही अपने यार संबंधियों और एक्टिंग की दुनिया के कई सेलेब्स को इन्विटेशन भेजा हो, पर इन्होंने अपने इस निकाह के मौके पर अपने ही बेस्ट फ्रेंड सना खान को नहीं बुलाया। जी हाँ, सही सुना आपने, मुफ्ती अनस सईद के साथ घर बसा चुकी सना खान को गौहर संग जैद दरबार की शादी में इनवाइट नहीं किया गया। इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद भी सना खान के घर नहीं आया है गौहर की शादी का इनविटेशन। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके पीछे किसी दुश्मनी की वजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, और वो ये है कि इन दिनों गौहर खान की बेस्ट फ्रेंड कही जाने वाली सना खान अपने शौहर मुफ्ती अनस सईद के साथ कश्मीर में हनीमून मनाने गई हैं, और वहां से आने में इन्हें अभी काफी टाइम लगेगा। जिस वजह से गौहर खान नहीं चाहते कि इनकी वजह से सना और मुफ्ती अनस का ये यादगार लम्हा किसी भी तरह से खराब हो, इसलिए इन्होंने सना खान को अपनी शादी के मौके पर इनवाइट नहीं किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सना खान और गौहर खान के बीच दोस्ती किसी भी मायने में कम हुई है। दोनों आज भी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है, जिसका पुख्ता सबूत सना खान ने गौहर खान संग जैद दरबार को ढेर सारी बधाइयां देकर दिया है, और कहा है कि अल्लाह इस नई जोड़ी का आने वाला हर एक पल खुशियों से भरा हो। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे गौहर खान और सना खान की सच्ची दोस्ती के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही नई अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।